जो मुर्गियाँ है उनके घर बना रहे। 500 सब्सक्राइबर हो चुका है मेरा। नमस्ते, देखिए पूजा हो रहा है। तो आ गया स्टेशन पे, यही है, तत्काल करना है, यहाँ पे जाना है। तो ये रहा वो टिकट, देखिए तो मेरा तो S5 पे है। हेलो, व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है, आज कल मैं जा रहा हूँ कोलकाता, तो उसके लिए टिकट काटना है, वो भी तत्काल। और मेरे जितने भी यहाँ कर्सियंगवासी है और गांव वाले, उन लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि तत्काल कैसे किया जाता है। कल गाड़ी है तो एक दिन पहले तत्काल होता है। तो अभी 10 और 11 बजे का टाइम है, तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि तत्काल कैसे करते हैं हम लोग यहाँ कर्सियंग में, तो वही दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो उसके पहले दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को। पेडी जो है, देखिए मम्मी जी बन गई है, चलिए ले जाते हैं पेडी के पास। पेडी हमारे खाना रखा हुआ है, सूप, गर्मा गर्म सूप रखा हुआ, लेकिन खाने के लिए वो राजी नहीं हो रहा। देखिए यहाँ माँ बन गई है पेडी। तो दोस्तों यही है, देखिए यहाँ पेडी रेस्ट कर रहा है और मैं जा रहा हूँ टिकट, ट्रेन के टिकट के लिए। जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था कि आज तत्काल करना है, वो तत्काल के लिए जा रहे हैं। यस, तो दोस्तों ऐसा है कि, और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, 500 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट के लिए। तो आप लोग दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारा। देखिए बाईचुंग बड़ा के खोलेगी पर, देखिए बाईचुंग बड़ा कुकरा का खोर बनाने के लिए, यानी कि जो मुर्गियां है उनके घर बना रहे। लो बड़ा कोई ला, ला। वही दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। तो आप लोग वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, 500 सब्सक्राइबर हो चुका है मेरा। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इधर भी देखिए आंसू के घर पर पूजा चल रहा है, आंसू यहाँ पर बिजी है। इधर हमारे पंडित जी, नमस्ते, यहाँ देखिए पूजा हो रहा है, यहाँ देखिए कोमल बीजी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्टेशन, वहीं जाके मैं सीधा वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैं पहुंच गया स्टेशन, कर्सियंग स्टेशन पे। देखिए ये तो आ गया स्टेशन पे, यही है, तत्काल करना है, यहाँ पे जाना है। 3 hours later दोस्तों मैंने तत्काल टिकट करवा लिया है, हो गया है। तो अभी मैं फिलहाल आया हूँ आंसू के घर पे, यहाँ पे हूँ अभी। तो ये रहा टिकट, देखिए तो ये रहा वो टिकट, देखिए तो मेरा तो S5 पे है, 14 अपर बर्थ में मिला है। प्राइस देखिए, ये है आपका 460 rupees ओनली। ये आपका तत्काल में आती है और आपका और कम है तो और भी कम पड़ेगा, 350 में ही कि 370 इतना ही है टिकट, कम पड़ता है, लेकिन तत्काल में थोड़ा महंगा पड़ता है स्लीपर टिकट का। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो किया नहीं, क्योंकि वो स्टेशन में करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह गवर्नमेंट प्लेस है, इसलिए मैंने वहाँ किया नहीं। तो एक बार मैं आंसू के घर पे आके कर रहा हूँ। तो देखिए अभी भी यहाँ पूजा चल रहा है, देखिए
अभी होम हो रहा है, देखिए यहाँ पूजा चल रहा है, आशु अभी भी बिजी है। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गभीमः श्रीमये धियो यो नः प्रजा स्वाहा। ओम भोर्भुवरेण्यं भर्गभीमः श्रीमये धियो यो नः प्रजा स्वाहा। ओम हौजुषः भूर्भुवः स्वं त्र्यम्बकमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनोर्वारुकां युगां गोपनं मृत्युर्मुक्षं ददातु स्वाहा। ओम हौजुषः भूर्भुवः स्वं रं 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 स्वाहा। ओम रं 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 स्वाहा। ओम रं 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 स्वाहा। ओम रं 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 रं। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो चलिए, ये ऐसा फॉर्म लेना है, काउंटर में जाकर मांगना है। और यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम देना है, साथ में यात्रा की तारीख यानी कि आप कितने तारीख को जर्नी करने वाले हो यहाँ पे देना है। उसके बाद है ये देखिए श्रेणी, ये यानी कि आप एसी में जाना चाहते हो कि स्लीपर में, तो यहाँ पे लिखना है। अगर आप एसी में जाएंगे तो एसी करना है, स्लीपर में जाना चाहते हो तो स्लीपर लिखना है। और यह सीट, मतलब आपको कौन सा सीट लेना, अपर की लोअर बर्थ, वही इसका देना है। स्टेशन कहाँ से जाना है, जैसे कि मुझे जाना है एनजीपी से, तो मैं यहाँ मैंने लिखा था एनजीपी, मुझे जाना है सियालदह तक, तो मैं यहाँ पर सियालदह लिखा हूँ। ये जो है ये कम्प्लीट हो चुका है, इसको बताना है। यहाँ पर देखिए एक नंबर में जैसे मेरा नाम लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा था मेल या फीमेल जो वो लिखना है, उसे यहाँ लिखना है। एज आपका कितना एज है वो लिखना है। अगर उसके बाद यहाँ पे आना है, देखिए ये दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर से गाड़ी का नाम और नंबर देना है, उसका तारीख देना है, कितना तारीख को आप जाना चाहते हो। तो ये जो दिख रहे श्रेणी, यहाँ पे स्लीपर लिखना है, श्रेणी में स्टेशन या एनजीपी लिखनी है, और कहीं जाना हो तो उस स्टेशन का नाम देना है यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ देखिए यहाँ अपना नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है पूरा पता, आपका होम एड्रेस जो है यहाँ पे देनी है होम एड्रेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे देनी है फ़ोन नंबर, ये जो है टेलीफोन या मोबाइल नंबर देनी है अपनी, ताकि SMS आए और वो कितना तारीख का फॉर्म फिलअप कर रहे हो देना है। डेट, उसके बाद देना टाइम, समय, आप कितने बजे फॉर्म फिलअप करके दे रहे हो काउंटर में, वो टाइम देना है। तो यही है, ये देखे देना है। अगर आप तत्काल करना चाहते हो तो एक दिन पहले करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मेरी गाड़ी कल है तो मैं आज गया, वो सवेरे 11 बजे से होता है स्लीपर के लिए। और आप एसी में करना चाहते हो तो आपको 10 बजे के पहले जाना पड़ेगा, 10 बजे से होता है टाइम एसी का। तो मैंने 11 बजे का किया क्योंकि मुझे स्लीपर में जाना है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा तत्काल, अगर आप तत्काल में जाते हो। तो यही मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे टिकट करना है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि अभी मुझे घर जाना है, पैकिंग भी करना है क्योंकि कल के लिए कपड़ा वगैरह पैक करना है, अभी तक मैंने किया नहीं हूँ। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों ठीक है, आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।